चलिए, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रेजेंटेशन भी हुआ। केंद्रीय टीम ने विधायकों को विकसित भारत यात्रा का एक प्रेजेंटेशन दिखाया। विधायकों को अगले 5 महीने का रोडमैप भी दिया गया है। लोकसभा की तैयारियों में भी जुटने के लिए कहा जा चुका है। इस बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा हुई है और पार्टी कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तार से बताया गया। पार्टी के सत्र के दरमियान एक परंपरा रही है कि विधायक दल की बैठक होना चाहिए, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की आज विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एसोसिएट हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री मान हितानंद जी और सारे विधायकों के बीच में हमने विधायक दल की बैठक का आयोजन किया था और इसमें अपने विकास के सभी कामों को लेकर के अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर भविष्य में हम अपने कार्यालय को जनता के लिए सरकार की योजनाओं के ठीक से क्रियान्वयन कराने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार के सभी जनहितैषी योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन कराने के लिए और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकल रही है उसका ठीक से संचालन करने के लिए ऐसे अन्य विषयों को लेकर के हम उपस्थित थे। माननीय अध्यक्ष जी ने भी कई अच्छे कामों के कई निर्देश पार्टी के दृष्टि से जो कार्यक्रम आ रहा है उनको भी बताने का आज निर्णय किया है। माननीय मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व आज पूरा उपस्थित था। विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश के अंदर संपन्न हुई, अभी अपने चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में यात्रा 16 तारीख से शुरू हुई है। उस यात्रा को नीचे तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार की योजनाओं के साथ हर व्यक्ति लाभान्वित हो सके, तो हितग्राहियों से लेकर जो ऐसे लोग हैं जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, उस दृष्टि से विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरा तंत्र मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज लगातार बेहतर तरीके से यात्रा